देंगे ना सीधे कहेगा धत तेरी की कोई बात है संक्षेपण संक्षेपण का दूसरा नाम है संक्षिप्त का दूसरा नाम है एंड कौट। कौट। है एंड कॉट ना संचेपन का मतलब होता है सार निचोर समरी सारांश बिल्कुल आप समझ रहे हैं संक्षेपण का मतलब होता है है ना एकदम लंबे चौड़े बात को मोटे मोटे बात को दाब करके दाब करके लपेट करके समेट करके है ना मोर मार करके पॉकेट में घुसा देना संक्षेपण है बात समझे ना जैसे चीनी लिए नमक लिए तेल हल्दी धनिया फलना चिलना क्या क्या नहीं लिए आ सब को है एगो पानी में देकर, कर कोंच के देकर आ बढ़िया से बांध दिए बांध दिए वो हो गया संक्षेपण जैसे मैं बता दूं आपकी माँ बहन बेटी छत पर छत पर गेहूं बगैर पसारती है अतनिया बादल लग जाता है वर्षा होने की संभावना आ आकी सबको समेट करके एगो बोरा में ठूस देती है और मुँह बांध देती है तो बोरा में जो ही ठूस के मुँह बांधती है संक्षेपण और बिथरल रहता है तो नहीं संक्षेपण समटाया गया तो संक्षेपण जैसे अभी आप संक्षेपण हैं आज जब छुट्टी देंगे तो एगो इधर जाएगा एगो उधर जाएगा तो एगो किधर जाएगा तो वो न हुआ संक्षेपण संक्षेपण का मतलब व्यवस्थित जी संक्षेपण का दूसरा नाम होता है जो बड़ी लंबी चौड़ी बात को शॉर्टकट कहने की जो कला है लिखने की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है उसका नाम संक्षेपण है मैं आपको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा संक्षेपण जब बताऊंगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बहुत अच्छा लगेगा आइए सुनते हैं एक प्यासा कौआ था नीतीश सर एक प्यासा कौआ था और पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था उसे पानी नज़र नहीं आ रहा था फिर उसे फिर उसे कहीं दूर एक घड़ा दिखाई पड़ा घरा के पास आया घरा के पास आया तो उसमें उसमें देखा तो पानी बहुत नीचे था फिर अपनी चोंच लगाई तो पानी तक उसकी चोंच ना जा पहुंची तो फिर उसने उसने दिमाग लगाया पास घरे के पास कुछ कंकर पड़े थे उसने चोंच से उठा करके के कंकर उसमें डाला पानी आया ऊपर लगाई चोंच पानी पी के उड़ गया ये संक्षेपण नहीं हुआ अब इस सं इसको इस अनुच्छेद को कहानी का एक छोटा भाग है अनुच्छेद कहते हैं इसको अब इस अनुच्छेद को हम संक्षेपण कैसे करते हैं सो देखिए एक प्यासा कौआ अपनी सूझ बूझ से एक प्यासा कौआ अपनी दिमागी सूझबूझ से पानी पिया और चला गया संक्षेपण बात समझे ना बात समझे ना इससे पहले हमको बताने में लगा था पूरे एक मिनट और अभी बताने में हमको लगा मुश्किल से तीन चार सेकेंड बात समझे कि नहीं समझे तो एक मिनट यानी कि सात सेकेंड सात सेकेंड बात को अगर पंद्रह सेकेंड में बोल देते हैं तो डैट इज संक्षेपण नहीं समझे संक्षेपण का मतलब हुआ वन फोर्थ यानी कि एक रुपये में चार चार चौरनी होता है ना तो पचहत्तर पैसा को छोड़ दो और पच्चीस पैसा को पकड़ लो पच्चीस तो पैसा हो गया पान, नहीं समझे समझे कि नहीं समझे जी जैसे कि मान चलिए मान चलिए मैं एक तरीका बता देता हूं जैसे एक सौ शब्द है एक सौ शब्द को चार से भाग दे दो तो रिजल्ट आएगा पच्चीस तो पच्चीस शब्द आपने लिख दिया डैटी संक्षेपण नहीं समझे एक सौ शब्द को पच्चीस शब्द में लाने की जो कोशिश है लाने की लाने का जो प्रक्रिया है लाने की जो प्रक्रिया है लाने का जो प्रोसेस है उसी को संक्षेपण कहते हैं और संक्षेपण लिखने का मैं तरीका आपको बता दूं संक्षेपण जब लिखते हैं तो प्रयास कीजिए एक शब्द दोहराए नहीं एक शब्द दोहराए नहीं जैसे राम अच्छा लड़का है राम नित्य आता है राम पढ़ने में बड़ा तेज है राम समय से होमवर्क बना लेता है तो राम चार बार बोले बदनाम हो गया नहीं समझे संक्षेपण का मतलब है एक शब्द डबलिंग नहीं होना चाहिए संक्षेपण का मतलब होता है जो मुख मुख बात को छोड़िए नहीं और फालतू बात को पकड़िए नहीं इसी को संक्षेपण कहते हैं कैसा लगा अब आपको कुछ संक्षेपण देते हैं और उसका फिर आंसर देते हैं फिर आपको लगेगा जो सर तो बेज्जोर है आप लोग एग्जाम दिए थे टेस्ट दिए थे उसमें उसमें बताया गया था एगो संक्षेपण था पहला संक्षेपण गो संक्षेपण था पहला संक्षेपण था जो पहला संक्षेपण था जिस संक्षेपण को हमने एक्सप्लेन किया था बहुत सारे कोचिंग में आपके दर्शन दर्शिंसराय के कोचिंग में उसका संक्षेपण का तरीका होता है सबसे पहले एक शीर्षक नाम दे दीजिए आप है ना तो उस संक्षेपण का हमने शीर्षक नाम दिया था आज़ादी की कीमत आज़ादी की कीमत उसमें है क्या जो हमारे देश के बहुत सारे अभिजनता ऐसे हैं जिनको ये फिक्र नहीं है कि किसकी सरकार है कैसी सरकार है उसे बस समय से खाद बीज मिल जाए समय से भोजन मिल जाए कपड़ा मिल जाए अच्छी सड़क मिल जाए सब चीज़ मिल जाए वो खुश है सरकार कैसी भी है कोई मतलब नहीं है उसके आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह है तो है कोई मतलब नहीं है उसको भरपेट भोजन मिल रहा है वो ठीक है ये था विषय तब तो हमने दिया आज़ादी की कीमत और उसका हमने संक्षेपण क्या बनाया था जानते हैं उसका हमने संक्षेपण बनाया था आज़ादी आज़ादी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज़ादी को दिलाने में हमारे पूर्वजों ने अपनी मौत पर खेल गए आज ज़रूरत है हम लोगों को उस आज़ादी की कीमत को बरकरार रखना अच्छुन रखना है ना हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए जो मेरी जरूरत पूरे करे हमें वैसी सरकार चाहिए जो मेरी आज़ादी को बचा के रखे फुल स्टॉप नहीं समझे बस ये संक्षेपण हुआ आ, कुछ क्वेश्चन है किसी के पास की अगर है तो मैं उ, 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 पढ़ के आपको बता देता क्वेश्चन है कि लाइए तो एक मिनट चलिए संक्षेपण है थोड़ा गौर से करिएगा हम प्रयास करेंगे एक बार पढ़ने का हम एक बार पढ़ेंगे लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप दो बार पढ़िएगा ठीक है ना कारण कि आपकी समझदारी और मेरी समझदारी में थोड़ा सा अंतर है इसलिए आप दो बार पढ़िएगा और हम भी अगर आपके बेंच पर बैठ जाऊँ परीक्षा देने के नियत से तो हम भी दो बार पढ़ेंगे बिल्कुल सही चलिए तो पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को अपनी भाषा को अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिंद दृष्टि से देखते हैं उसकी आलोचना करते हैं उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं पर्व क्या है पर्व को ही लीजिए पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये स्त्रियों का ढोंग है यह या यह या पीड़ितों का ये क्या है ये पंडितों का ये क्या है पंडितों का एक पोंगा है ऐसे करके लिखा है पोथा है पता नहीं मिस ये है वे कहते हैं पर्व बेकार है फिजुल खर्ची के साधन है यानी कि अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों के तरफ संकेत है अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपनी संस्कृति के साथ क्या घिनौना मजाक करते हैं यही रिजल्ट निकला है अब इसका हम क्या बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पंक्ति गिनते हैं हम अपने आप को अभी टीचर नहीं मान रहे हैं हम अपने आप को स्टूडेंट मान रहे हैं वो भी प्लस टू का स्टूडेंट हिंदी का स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में अब हम की करेंगे सो देखिए एकदम आपको वहाँ ले चलते हैं वहाँ ले चलते हैं इसको गिन गिनती कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ क्या है क्या लाइन है आठ लाइन है एगो लाइन में देखिए क्या गो शब्द है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह गुने आठ कीजिए चौदह गुने आठ चौदह गुने आठ कीजिए ना एक सौ एक सौ बारह एक सौ बारह को चार से भाग दीजिए एक सौ बारह को चार से भाग दीजिए मैक्सिमम तीस अट्ठाइस तीस इसका आंसर आप तीस शब्द में लिखना है आपको कितना लिखना है तीस शब्द और तीस शब्द का मतलब होता है तीस शब्द का मतलब होता है मैक्सिमम तीन लाइन या साढ़े तीन लाइन ठीक है ना या चार लाइन लीजिए तीस शब्द में इसका जवाब देना है तो आइए सबसे पहले इसका उचित शीर्षक देते हैं उचित शीर्षक देते हैं चलिए इसका शीर्षक देंगे अंग्रेजी 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 खाली अंग्रेजी अंग्रेजी की चर्चा है तो लिखेंगे अंग्रेजी एक भाषा इसका शीर्षक दे दी शीर्षक जितना छोटा दीजिएगा उतना मज़ेदार होगा अंग्रेजी एक भाषा शीर्षक दे दिए अब अब क्या लिखते हैं सो देखिए दुनिया की कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है लेकिन लेकिन एक बार लेकिन होगा दो बार में हम ऐसे बोल रहे हैं दुनिया की कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है लेकिन उसको पढ़ करके बुरे व्यवहार जब लोग करने लगते हैं तो भाषा बदनाम हो जाती है अंग्रेजी हो या हिंदी सब अच्छी है लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ करके अपनी संस्कृति सभ्यता और अपने संस्कार को भूल जाते हैं अपने संस्कार को बकवास करते हैं और अंग्रेजी संस्कार को वो बढ़िया कहते हैं ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या फुल स्टॉप हो गई बात हमको लगता है आप संक्षेप संक्षेपण करना जान गए कहीं से उठाएंगे मैटर लेकिन पहुंचना वहीं है जहां पर इसको ले जाना है बात समझ रहे हैं न हम अंग्रेजी की शिकायत किए हम किसको धो दिए पता है हम किसको धो दिए पता है अंग्रेजी पढ़ने वाले को धो दिया भाषा कोई गलत नहीं है भाषा गलत नहीं है पढ़ने वाले लोग के व्यवहार उसे गलत और सही करता है है ना कोचिंग तो सही होता है उसके फैकल्टी उसको ख़राब बढ़िया करते हैं स्टूडेंट कोई गलत कहाँ होता है कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गलत होते हैं बात समझे ना तो जी और एगो पढ़ा दें बता दें चलिए एक और पढ़ाते हैं चलिए पाँच नंबर के एकदम जल्दी उड़ा देना है बिल्कुल चलिए जी आ, कितना शब्द में लिखते हैं सो देख लिए तरीका बस शब्द सब, शब्द गिनिए, चार से भाग दीजिए और जो रिजल्ट निकलेगा उतना लिख दीजिए जी दूसरे को निंदा करने का एक प्रमुख कारण दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी होता है कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष में दूसरे की निंदा करते हैं इस प्रकार की निंदा सरस नहीं होती है उसमें आनंद नहीं आता निंदा करने का जी आनंद समर्पित भाव से निंदा करने में आता है ईर्ष्या द्वेष रख करके निंदा करने में नहीं आता है निंदा करने वाला सदा दुखी और अशांत रहता है इससे दूसरे की उन्नति प्रगति सुख समृद्धि सहन नहीं होती है अपनी असमर्था और हीनता के कारण उसमें ईश्वर देश उत्पन्न होती है दूसरों की निंदा करने पर उसे थोड़ी सी शांति मिलती है ऐसा निंदक दया का पात्र होता है अब मैं बता दूं, अब मैं बता दूं। पंक्ति गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ पंक्ति है चलिए एक पंक्ति गिन लेते हैं बीच वाली पंक्ति ना ऊपर ना नीचा बीच वाली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह गुने तेरह गुने नौ तेरह गुने नौ तेरह तेरह नमा एक सौ सत्रह तेरह एक सौ सत्रह एक सौ सत्रह से चार चार को भाग दीजिए तीस 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 हो गया क्या देखते हैं तीस हुआ उनतीस कुछ हुआ तो तीसे मानिए ना कोई दिक्कत नहीं तीस हुआ तीस शब्द में इसको जवाब देना है कितना शब्द में जवाब देना है तीस शब्द में इसका पहले शीर्षक लिखते हैं ईर्ष्या 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 कितना बार ने आया है चलो यही इसका शीर्षक देते हैं इसका शीर्षक देते हैं ईर्ष्या एक बीमारी ईर्ष्या एक बीमारी ठीक है ना आप लोग अठवां में ही पर रहे होंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से बिल्कुल बिल्कुल धज्जी उड़ा देना है उसी स्टाइल में लिखेंगे लिखेंगे ईर्ष्या एक बीमारी तब लिखेंगे मानव सर्वोत्तम प्राणी है लेकिन उसमें एक ऐसी हीन भावना होती है जो उसे सर्वोत्तम होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है वो ईर्ष्या है आज आदमी आज आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे से के सुख देखकर दुखी है इसका मुख्य कारण है ईर्ष्या ईर्ष्यालु आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता फुल स्टॉप ईर्ष्यालु आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है बात समझ सकते हैं बस हो गया ऐसे करके हम निबंध